रोमांच की दुनिया के दीवानों, मौत के कुएं में आप सबका आज स्वागत है। आज आपके चहेते, आपके भभूति जी एक ऐसा कर्तव्य दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके गुर्दे लाल हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। मर गए का ससुर जो अमर रहे मर रहे कर रहा हूं है। हाय सुनो, गोरी मैम की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक दादा। तो दोस्तों, आज होगा यमराज से सीधा साक्षात्कार, मौत से होंगे दो दो हाथ। लेकिन आज इस बात का भरोसा नहीं कि ये खिलाड़ी मौत के मुंह से वापस आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने आपके आदरणीय भभूति जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अंतिम दो शब्द, मतलब अंत में दो शब्द कहें। आइए आइए। Shut up. Well, दोस्तों, जिंदगी मौत भी एक खेल है और ये खिलाड़ी आज वही खेल खेलने जा रहा है, जिंदगी और मौत का खेल। हालांकि मैं ये शौक लड़कपन में छोड़ चुका हूं, लेकिन किसी की खास फरमाइश पर, एक मोहतरमा की खास फरमाइश पर मैं ये करतब दोबारा दिखाने जा रहा हूं। वो मोहतरमा कोई और नहीं, द मोस्ट सेंसिबल, द मोस्ट डिग्निफाइड लेडी, अंगूरी भाभी। भभूति जी, एक छो बात बोलना है आपको। भाभी जी, श्योर, बी माई गेस्ट। वो खेल से पहले ना आपको बोलना है रेस्ट इन पीस। भाभी जी, ऑल द बेस्ट होता है। सही पकड़े हैं, हमने ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, अच्छे से चलाइएगा मोटरसाइकिल। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। गाइस, Let's begin the fun. Vibhuti bhaiya, amar hai. Vibhuti bhaiya, amar hai. Shut up. Guys, excuse me, sir, main washroom ho ke aata hu. Ha? लड़के भैया, आप कितना अच्छा मेला सजाए हैं यहाँ, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, यू आर वेरी नीच पर्सन। नाइस होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे कहाँ मर गया सक्सेना का बच्चा, कभी टाइम पर नहीं आता ये। भैया, I like it. काम करके आप टाइम पे क्यों नहीं आते हैं आप? अरे भैया, देखिए मेरी इज्जत आपके हाथ में, प्लीज। भैया, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी इस इज्जत को अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगा। गो लेकिन भभूति जी चले कहाँ गए, आए काहे ना आए अभी तक? भाभी अंगूरी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भैया विभूति को आके थे ससुर लंगड़ी टांग खेलने हुए। अरे जो काम में काहे प्रैक्टिस की जरूरत है, तना कहीं प्रैक्टिस कम रह गई ना, तो भैया विभूति इत की जगह स्वर्ग लोग चले जाएंगे, फिर आप बोलियो रेस्ट एंड पीस। ऐसे काहे बोलते हैं, सुब बोलिए ना। हाओ हाओ या ठीक, तुझे क्या लगता है ये विभूति सेठ जी मौत के कुएं में बाइक चला पाऊंगा? यार डाउटफुल लग रहा है, मोइन लग रहा है।
भैया तिवारी घर में है का? आइए आइए दरोगा जी, आइए आइए। अरे दादा, आइए भैया का पढ़ रहे अखबार? बस आइए बैठिए, बस आपकी कमी रह गई थी। आइए। कहिए क्या बात है यार? भैया तिवारी बात हम बता तो दें यार, लेकिन तुम कसम खाओ, पहले अम्मा की कसम खाओ कि जोन हम तुमको बात बताएंगे वो और कोऊ की कान में न जाएगी। यार बात बताई नहीं, अम्मा की कसम पहले खिला रहे हो? ना ना, हमें हमें तसल्ली हो जाएगी, तुम पहले अम्मा की कसम खाओ कि कोऊ को बात ना बताओगे। चलो खा ली, अब बताओ। हमें यार कछु दिन से ना, मतलब सुबह से ही सोचो जैसे उठी बड़ो, मतलब अजीब सी कमजोरी सी लग रही है, पूरा सारा शरीर हमारा ढिलियास हो गया है, ऐसा लंज पुंज हो गया है। तो दूध घी खाइए, बशर्ते कि असली गाय का होना चाहिए। जो सब कर लो हमने, जॉन से पूछी हमने कि हमारा ढिलिया को शरीर वो सारो यही बताते हुए दूध खाओ घी खाओ ये सब कर ली, और तो और वो होटना अपने बबूल की जड़ है का वो सोचो गोंद ने करती है जाए से। वो गोंद हमने खूब दूध घी सब में मिला मिला के ऐसे घोर घोर के पिए सचो, कछु ना बहु गोइया कछु ना बहु। दिखाइए हॉल में। जीभ जीभ तुम बात बोलू करो ना यार, तुम लो जीभ देखने में तो कोनो कमजोरी ना लग रही है, क्योंकि अगर कमजोरी होती तो जीभ थोड़ी पीली सी हो जाती है, लेकिन ये तो सुर्ख लाल है। ना ना सुर्ख लाल तो बस हसी इसे का भाई पान खा के तुम कहो तो बात थूक के आ पान। अरे खून का रंग अलग नजर आ जाता है यार। तो फिर बात का है, फिर काय ढिले आने से हैं हम, ना उठने को मन कर रहा हूं, उठ गए तो सारू बैठने को मन ना कर रहा हूं, जहां है ऐसे लग रहा लद्द से वहीं डरी रहे। डॉक्टर को दिखाया? जो डॉक्टर, अरे यार जो कछु काम को ना, जो तो इतनी बड़ी चिराद है, तुम कह दो हमें बुखार आ गओ भाई बबूत, तुम कह दो हमें जुखाम हो गओ भाई बबूत, ससुर के कछु भी कह दो भाई राख दे देते हुए, वो काम को ना काज को दुश्मन अनाज को फर्जी है सारू। हमें लगता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट को मतलब मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। ना ना हमें कौन ट्रस्ट कौन दिखाने की फालतू की बात, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे हम सक्सेना हो गए हूँ, हमारा दिमाग खराब है हम पगले हटे का। अरे यार कर दी ना गंवारों वाली बात। अरे भाई मनोचिकित्सक सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते, आपकी जो समस्या है ना उसका सीधा संबंध दिमाग से भी हो सकता है। लो यार किस गधे ने दरोगा बना दिया आपको, ये छोटी सी बात तो बच्चों को भी पता होती है यार। ओ बच्चों की बात ही ना करो, हमारे घर में पहले ही नौ ठग्गा खेल रहे यार। हमारो तो मतलब यार तुम बड़े हो तो तभी तो तुमसे सलाह ले रहे यार। सलाह दी ना कि मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, मतलब साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, बात खत्म। आराम से बैठो बैठो पहले बैठो। हाँ अब बताओ क्या बात है? अका है ना कि अब प्रभुति जी ना साइकिल लिस्ट बन गए हैं। क्या बात कर रही भाभी अंगूरी, जाको मतलब भैया विभूति ने साइकिल की दुकान खोल ली। अरे दादा, अरे यार। तुम सारे कबूतर टेक ना लगवाइए सोफा में। बस कीजिए अबा, वो वैसे भी साइकिल का दुकान ना ही खोले हैं, वो तो वो बन गए हैं, वो जो दिमाग का इलाज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मनोचिकित्सक। तो साइकेट्रिस्ट कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। यार अभी तक आई ना, टाइम तो है को कॉलेज से छूटने को। यू नो व्हाट, ऐसे देख रहा था ना वो मेरे को, तब से तूने देखा ही नहीं। ओके यू लीव, आई विल कम। हां बाय। गॉड, हेलो, हाउ आर यू? वो क्या है कि जे मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पिछले 2 महीने से आपके पीछे पड़ा हूँ, और जा बात कहने की हिम्मत है ना मुझसे आज तक ना भाई। डू यू लव मी?
कोई आया कि नहीं आया अभी? ए डाक, एक काला चोर भी नहीं आया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुइयां छील रहे हैं? जाइए बाहर, जाइए कन्विंस करिए, लेके आइए लोगों को। ए डाक, आई एम योर कंपाउंडर, आई एम नॉट योर मार्केटिंग मैनेजर, यू नो। इस बार भी मैं फ्लॉप हो जाऊंगा यार। सना जी, एक काम कीजिए, बाहर जाइए, लोगों को कन्विंस कीजिए, बताइए। अगर आने में इंटरेस्टेड ना हो वो लोग, तो जबरदस्ती अंदर घसीट के लेके आइए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हेलो सेठ जी। हेलो भैया। हेलो भैया। रिश्तेदारियां नहीं, ओके? कॉल मी डॉक्टर। अब सॉरी डॉक्टर। ये लौंडे बहुत परेशान हैं डाक, और ये जो टीका है ये तो बेचारा आत्महत्या करने की भी कोशिश कर चुका है। हमारी भी यही नौबत आने वाली है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुंह ठीक करिए, बदतमीजी नहीं, सलीके से। डॉक्टर साहब, अब बहुत उम्मीद लेकर आया आपके पास। आप तो जानते ही हो कि हमारे तो एक ही प्रॉब्लम है रही है, और वो है लड़की। कोई भी लड़की ने आज तक हम पर घास न डाली, सारी लड़कियां थूक के चली जावी इस पे। डॉक्टर साहब, जाई वजह से ना हम बहुत टेंशन में रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। नौरा फ्रस्टा सोरा स्टेज 3, ओके सर, बट ये क्या होता है? हम लोग डॉक्टर्स अपनी भाषा में, मेडिकल टर्म में जो कहते हैं, ये एक बीमारी है। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग जो लड़कियां छेड़ते हैं, ये आप कब से छेड़ रहे हैं? अब सिंस हाउ लॉन्ग? अब बस डॉक्टर साहब, ये समझ लो जब से होश संभालो है ना, तब से धंधा पर लग गए थे। बदतमीजी नहीं बे, बदतमीजी नहीं। टेल मी नाइसली, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। सर, अप्रोक्स 14-15 ईयर, मतलब टीनेजर्स। ओके, 14-15 साल का करियर है आपका, और इस करियर में आपने लड़कियों से मार भी खाई होगी? मारी तो खा रहे हैं डॉक्टर साहब, प्यार तो आज तक नसीब ना हुआ हम तीनों को किसी भी छोरी का। अच्छा भाई, मार आप चप्पलों से खाते हैं या हाथों से खाते हैं? डॉक्टर साहब, चप्पलों से हम ज्यादा पीटे। आई लाइक इट। डॉक्टर साहब, छोरन की गाली तो हमने भर भर के खाई है गई। सुबी जोरो फेस्ट जोन 3, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस जोन। सक्सेना जी, जो इंसान इस जोन में आ जाता है ना, वो इंसान सिर्फ आत्महत्या ही कर सकता है। इन लौंडों को बचा लीजिए डाक, इन लौंडों को बचा लीजिए, जिंदगी भर दुआएं देंगे आपको। आप डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा के पास आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारे मनोविज्ञान में दिमाग का किस तरह वर्णन किया गया है? कई तरह के दिमाग होते हैं, जैसे कि गर्म दिमाग, ठंडा दिमाग, बदतमीज दिमाग, स्मार्ट दिमाग, अय्याश दिमाग, नमक हराम दिमाग, जलील दिमाग, हर तरह के दिमाग होते हैं। पागल दिमाग। That's right, पागल दिमाग also. तो क्या है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के कई दिमाग एक साथ खुले हुए हैं, तो उनको बंद करना पड़ेगा। अरे तो डॉक्टर साहब, रोका किसने है, बंद कर दो। कोई गड्ढा नहीं है ये, सीमेंट डालूं और बंद हो जाएगा। इसका उपाय करना होगा, और सबसे पहला उपाय इसका ये है कि आप लोगों को लड़कियों के बारे में सोचना बंद करना होगा। क्या? Just stop thinking about girls. Decide कर लीजिए, let me know. ठीक है भैया, ठीक है डॉक्टर। और दूसरा उपाय है कि आप लोगों को अपने आप को सबसे ज्यादा हैंडसम समझना होगा। मतलब कोई आपको कुछ भी कहे, चिंपैंजी कहे, गधा कहे, लीचड़ कहे, भेड़िया कहे, लेकिन डोंट बिलीव देम, नो 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 नो, नेवर बिलीव देम। आप अपने आप को आप टॉम क्रूज समझेंगे, आप ऋतिक रोशन समझेंगे, और आप अपने आप को सलमान खान समझेंगे। मैं सलमान खान? या ठीक है डॉक्टर साहब। सबसे कारगर उपाय।
आप तीनों में से एक लौंडा लड़की का भेस आएगा। आई लाइक इट। हमने ऐसा क्या चुरा लिया तुम्हारा गुल्लो जो हमको चोर कह रही हो? हमारा बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया है। तो सारा का सारा सामान अभी वापस कर देते हैं। गुल्लो ठहर जा, तो ठहर जा ससुर, मोहब्बत चल रही है ते। यार अप्पू सिंह बहुत है बेशरम आदमी हो यार तुम। जब गुल्लो ने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा सूरज ढल चुका है, तुम्हारे झुंझुना हिलाने के दिन आ गए, तो काय पीछे पड़े हो गुल्लो के? कैसे है झुंझुना हिला ले तू? सारे अभी हम जवान है और हम में इतना जोश है, कैसे हल किसी फूंक मार देंगे ना, ततैया की तरह सारे उड़ जाएगो। लगाओ फिर चैलेंज, अभी पता चल जाएगा कि किस में कितना जोश है। तो लगा ले, तो डरते हैं कहाँ जा ठहरे। हम दोनों के बीच में क्या कंपटीशन होगा जो गुल्लो बताएगी। गुल्लो ठीक है। तो ये दो बोतलें हैं वो भी भरी हुई। अब आप दोनों में से इसमें से एक बोतल जितनी जल्दी खाली करेगा गुल्लू उसकी होगी। बहुत बढ़िया, हमको चैलेंज मंजूर है। हम उनको मंजूर है, दे बोतल ते। पहले हम पियेंगे। हाँ हाँ तुम कर ले सब, हमें तो फ्री फंड में आए हैं, पंजीरी बांट रही हैं, जो काय पहले पियोगो हम पियेंगे। ससुर ठहर जा तू, पियो। पहले सूरज ढला था, अब झुंझुना भी टूट गया। पुत्तन से कंपटीशन लगाने चले थे। दिल है खामोश पर जुबां खामोश, आज तेरी है अरदा खामोश, जुल्फ के पेचो खम बताते हैं, रात गुजरी है इंतहा खामोश। कैसे बाबर भूती जी? बाबा जी मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन आपकी ये खामोशी चीख चीख के कह रही है कि आप खैरियत से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो कहा है ना कि हम कछु सेट हैं। भाभी जी अगर आप सेट होती तो आज अपसेट ना होती। आप क्या बोले? पर भाभी जो अपसेट होता है सही पकड़े हैं आप। अपसेट है भाभी जी? भाभी जी आपके घर के सामने एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है भाभी जी। भाभी जी मैंने अच्छे से दूसरे लोगों को खुश कर दिया जिंदगी में, सुख दिया, पर रहते हुए आप दुखी कैसे हो सकती है भाभी जी? नो हम तो सोच ही रहे थे कई दिनों से कि आपके पास आकर ना कुछ एडवांस ले लें। हम तो कब से आपको अपनी मोहब्बत का एडवांस देके बैठे हैं भाभी जी। का बोले? तो भाभी जी मैं बात करूंगा सस्ताना जी से और आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा जल्दी जल्दी, डोंट वरी, आप एकदम चिंता मत करिएगा। ये कौन सी अपॉइंटमेंट फिक्स की जा रही है हम जान सकते हैं आपसे? तिवारी जी प्लीज, आपको तो शर्म आने चाहिए, आपको गन्ने नाले में डूब के मर जाना चाहिए। अरे 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 ये किस टाइप की बकवास किए चले जा रहे हैं आप? आपको जरा सी भी फिक्र है भाभी जी की? जरा सी भी फिक्र है कि किस हाल में है वो? जरा सी फिक्र नहीं, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हर। क्या बात कर रहे हैं, हमें काई फिक्र नहीं है? क्या हुआ क्या अंगूरी को, ठीक तो है? बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। शी इज नॉट वेल, शी इज डिप्रेस्ड, शी इज सप्रेस्ड, शी इज स्ट्रेस्ड, वो मानसिक तनाव में है जी। मानसिक तब क्या पगली क्या सुन रहे हैं तुम, मानसिक तनाव में हो? हाँ लड़की भैया क्या बताएं आपको, आजकल कछु अच्छा ही नहीं लगता है, ना सोने का दिल करता है, ना हंसने का, ना रोने का, ना खाने का पीने का। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि बरबूती जी से एंगेजमेंट कर लें। आई विश। क्या था अभी जी? वो ट्रीटमेंट होता है। सही पकड़े हैं। ट्रीटमेंट की तो तुम्हें नहीं बल्कि इन्हें ज्यादा जरूरत है पगली। माइंड योर लैंग्वेज, माई सेल्फ डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा, आई एम अ साइकाइट्री डिग्री होल्डर फ्रॉम शिकारपुर मेडिकल कॉलेज। आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? सर
समझे कि नहीं, काहे काहे ऐसे बहस करते रहते हैं हाँ? आपको पता है वो डॉक्टर बन गए हैं। मैं जाती हूँ। अरे अंगूरी, अरे भाई बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने वाने को लाओ। अंगूरी कहाँ वाले चुके भैया, कहाँ इतना चीची आ रहे हैं? बहुत जोर से भूख लगी है, हम कह रहे खाने को लाओ ना कुछ जल्दी से। आ, ला रहे हैं। आपको उनको सूतना है, पीटना है, उनके मुंह पे कुछ भी जो आपके हाथ में आ जाए वो मलना है। यही मौका है लड़के भैया के अंदर से दर्द को बाहर निकालने का। कहा है कि जब इंसान भूख में होता है ना, सबसे ज्यादा दर्द में होता है। अंगूरे ला रहे हैं। अरे यार, ये कब अगर भूख के कीड़े बर्दाश्त नहीं होते, बचपन से भूख जो ऐसी चीज है बर्दाश्त कभी ना हुई, मतलब तक तकिया कटक गए थे एक बार तो। अंगूरे अरे आओ ना, अरे वैसे खड़ी काए हो, रखो ना खाना। अरे दिमाग खराब हो गया क्या, का सुनाई नहीं दे रहा? हम कह रहे कि खाना रखो, तभी तो कभी ना खाएंगे। लाओ आज हम आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। अरे तो खिलाओ ना भाई, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा, तो खिलाओ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो भाभी जी, प्लीज सिट डाउन। भाभी जी आप फिर से, कोई प्रॉब्लम? का बताएं, अब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमरा। टेल मी, आई एम ऑल इयर्स, आई वुड लाइक टू लिसन टू योर प्रॉब्लम। आओ का है ना, आकी आपको जैसे ही देखते हैं ना तो हमरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके, इट्स हार्ट रेट बिकम्स faster, palpitation, yes. और ना हमको दिल में ऐसा मीठा मीठा सा दर्द भी होता है। Okay, sweet pain, yeah. And? और वो मीठा मीठा दर्द हमको रात को सोने नहीं देता है। That's insomnia. हाय दिया, रोते हैं तो रोने नहीं देता है। That's क्रेटो कंजक्टिवाइटिस। और हंसते हैं तो हंसने नहीं देता है। मोबियस सिंड्रोम। सपना था लेकिन खूबसूरत था। आ
लड्डू की भैया हमको माफ कर दीजिए, हम आपके अंदर दर्द पैदा करने जा रहे हैं।